अभी अभी मेरा परिचय आपके सामने बड़े और मोटे कवि के रूप में दिया गया, लेकिन मैं बहुत ही छोटा मोटा कवि हूँ। एक बारीक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मेरी ही तरह बिल्कुल बारीक है। महंगाई आजकल दोस्तों सुरसा के मुंह की तरह बढ़ गई है। चलिए बाजार में चलते हैं और महंगाई के दर्शन करते हैं एक कविता के रूप में। सुनिएगा, शीर्षक है बाजार का ये हाल है, बाजार का ये हाल है, कविता सुनिएगा। बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी पानी पी रही हूँ तो पानी ही दूंगी, दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है मैं तुम्हारे लूंगी। कपड़े वाला कहता है जिस भाव में आया है उस भाव में कैसे दें, जिस भाव में आया है उस भाव में कैसे दें। आपको 100% आदमी बनाने का आपसे 50% भी नहीं ले, आपको 100% आदमी बनाने का आपसे 50% भी नहीं ले। धोबी कहता है कि राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, आप एक कमीज नहीं छोड़ सकते। धोबी कहता है कि राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, आप एक कमीज नहीं छोड़ सकते। 100 रुपये की कमीज भट्टी खा गई तो आप तिल मिला रहे हैं, 100 रुपये की कमीज भट्टी खा गई तो आप तिल मिला रहे हैं। इस देश में लोग ईमान को भट्टी में झोंक कर सारे देश को खा रहे हैं। इस देश में लोग ईमान को भट्टी में झोंक कर सारे देश को खा रहे हैं। मक्खन वाला कहता है बाबूजी मक्खन है खाने के नहीं, लगाने के काम में आता है। बाबूजी मक्खन है खाने के नहीं, लगाने के काम में आता है। इसका इस्तेमाल त्रेता युग में विभीषण ने, द्वापर में पांडवों ने किया था, आज भी सैकड़ों कर रहे हैं। जो नहीं कर पाए वो हंस होकर भी घास चल रहे हैं। चोर कहता है कि मुनाफा खा रहे हैं तो हम भी तिजोरियां तोड़ तोड़ कर अधिकार और कर्तव्य को एक साथ निभा रहे हैं। चोर कहता है मुनाफा खा रहे हैं तो हम भी तिजोरियां तोड़ तोड़ कर अधिकार और कर्तव्य को एक साथ निभा रहे हैं। किसी भी बड़ी तिजोरी में झांक कर देखिए आपकी आत्मा हिल जाएगी, किसी न किसी कोने में पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी। क्या बात है, किसी भी बड़ी तिजोरी में झांक कर देखिए आपकी आत्मा हिल जाएगी, किसी न किसी कोने में पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी। फल वाला कहता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ दो। हम दोनों ने अपना अपना कर्म किया, मैंने दिया और आपने लिया, अब फल अच्छा निकलिया खराब ये तो हर इच्छा है जनाब। किताब वाला कहता है क्या कहा प्रेमचंद का गोदान, क्या कहा प्रेमचंद का गोदान, ये किताबों की दुकान है किसी गौशाला में जाइए श्रीमान। गौशाला में जाइए श्रीमान। पॉकेट मार कहता है लोग 10-10 साल का इनकम टैक्स मार के भी वफादार हैं। हमने 10-5 रुपए मार दिए तो पॉकेट मार रहे, उन्हें फौज की सलामी। हमें थानेदार का जूता, उनको बंगला, हमको जेल। अरे बाबूजी किसी को कहते हैं छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। विद्यार्थी कहता है कि आप हमसे 6 सवाल 3 घंटे में करने को कहते हैं। गुरुजी वो देश है जहां हस्ताक्षर करने में 24 घंटे लगते हैं।